बैंक की तरफ से मुझे एक मैसेज आया है जिसमें बताया गया है कि आप 3 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है और वो पर्सनल लोन ऑफर है, प्री अप्रूव्ड ऑफर। तो पहले भी मुझे काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते थे जिनको मैं इग्नोर कर देता था। अगर आपके पास भी इस तरह के मैसेज आते हैं और आप भी अगर उनको इग्नोर करते हैं, आपको लगता है कि लोन मिलता है या नहीं मिलता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि जो आपको पर्सनल लोन ऑफर, बिजनेस लोन ऑफर, कार लोन ऑफर या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर दिए जाते हैं बैंक की तरफ से, वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रूफ के साथ यही दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमें ये जो मैसेज आया है वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आया है, क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो कोटक महिंद्रा बैंक में भी है। तो इस मैसेज में लिखा हुआ है कि आप 3 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है, जो कि 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर है। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके हम इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी है। पहले ऑथेंटिकेट करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद सक्सेस हो जाएगा। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर ये CRN नंबर डालेंगे और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर और हमारा बैंक का जो CRN नंबर है वो हमने फिल कर दिया है, कैप्चा भी डाल दिया है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे। लोन वाला पेज डिस्प्ले हो गया है जिसमें लिखा हुआ है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अप टू ₹3 लाख इंस्टेंटली और फिल लोन एप्लीकेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, नो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और लोन अमाउंट इंस्टेंटली क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। यहाँ पर हमें 3 लाख का प्री अप्रूव मिला है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 3 लाख और मिनिमम 50,000 रुपीज तक का लोन ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम 1 लाख रुपये यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए पूरा 3 लाख सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, कितने टाइम में आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 24 मंथ अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर EMI देख सकते हैं, 14,941 रुपीज की EMI बनेगी। फिक्स इंटरेस्ट रेट है 17.75% पर एनम। नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस है 8,850 रुपीज, जिसमें GST इंक्लूड है। ये 14,941 रुपीज इसको हम इंटू करते हैं 24 मंथ से, तो हमें टोटल जो रिपेमेंट करना है 58,584 रुपीज हमें एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जो कि इंटरेस्ट होगा 2 साल का 3 लाख रुपए के ऊपर। अगर हम यहाँ पर अमाउंट कम करते हैं तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। हम यहाँ पर 1 लाख सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें इसको 1 साल के अंदर पे करना है, तो हमारी जो EMI बनेगी वो 9,156 रुपीज की EMI बनेगी। सो हम इसको इंटू करते हैं 12 से, तो हमारा हो जाता है 1,09,872 रुपीज, मतलब 9,872 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करने होंगे। इसमें प्रोसेसिंग फीस अलग होगी। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 2,950 रुपीज, तो अप्रोक्स हम मान के चलते हैं 12,500 से 13,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करने होंगे 1 लाख रुपए के ऊपर, जो कि कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो अमाउंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ मिनिमम 50,000 और हमें मिनिमम जो है 12 मंथ्स के लिए यहाँ पर टाइम पीरियड रखना पड़ेगा जिसमें हमें लोन को चुकाना होगा। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एक तो मुझे लोन की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज आते हैं इनमें लोन मिलता भी है या सिर्फ ऐसे ही मैसेज ये प्री अप्रूव के बैंक की तरफ से दिए जाते हैं। तो मुझे लोन की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 50,000 ले लेता हूँ, क्योंकि 50 लूंगा या 3 लाख लूंगा बात एक ही है, सिर्फ आपको वीडियो में दिखाना है। 50,000 रुपीज मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पर 12 मंथ सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पर ये EMI है हमारी 4,578 रुपीज इंटरेस्ट हो गया और इसमें प्रोसेसिंग फीस भी कम हो जाती है 1,475 रुपीज। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अगर आप कवर लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर इस कवर के जो बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं, द राइट स्टेप टू सिक्योर फ्यूचर्स फैमिली, तो अगर आप कवर लेना चाहते हैं तो प्रोसीड विद कवर करेंगे। इसमें फिर आपको नॉमिनी की डिटेल्स देनी होगी। कवर अगर लेते हैं तो इसमें 101 रुपीज हमें एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जो कि EMI के साथ ही कट होगा। तो चलिए हम कवर नहीं लेते हैं, प्रोसीड विदाउट इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप बेनिफिट पढ़ेंगे तो आपको इसका जो है बेनिफिट का पता चल जाएगा। यहाँ पर ये हमारा अकाउंट नंबर आ गया है, यहाँ पर हमें लोन पर्पस सेलेक्ट करना है, हम किस पर्पस से लोन ले रहे हैं। यहाँ पर हॉलीडे लोन, पर्सनल एक्सपेंस, होम इम्प्रूवमेंट, परचेस ऑफ एसेस, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल एक्सपेंस, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे सामने लोन का फाइनल प्रीव्यू आ गया है, यहाँ पर आप लोन अमाउंट, EMI,
फिक्स्ड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईएमआई और कितने टाइम में आपको रीपेमेंट करना है। और यहाँ पर नॉन रिफंडेबल जो कि फीस है हमारी 1475 रुपीज और 100 रुपीज स्टैम्प के, ये टोटल अमाउंट काट के हमारा जो अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा वो 48425 रुपीज क्रेडिट किए जाएंगे। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री एंड एक्सेप्ट। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। और ये कोटक बैंक रिप्रेजेंटेटिव हैज इन्फॉर्म यू अबाउट दिस लोन ऑफर, इसको अनचेक रखेंगे क्योंकि हमारे पास तो मैसेज आया है, हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। आई कंफर्म माय अल्टरनेट एड्रेस और मोबाइल नंबर, इसको भी कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, सिटी का नाम, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर कोई भी एक देना है, इसके बाद सबमिट करेंगे। तो हमने एड्रेस फिल कर दिया है, इसके बाद सबमिट करेंगे। अब फिर से हमारे बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे। और फाइनली कांग्रेचुलेशंस, योर टॉप अप ऑन पर्सनल लोन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। योर एप्लीकेशन आईडी, ये हमारी एप्लीकेशन की आईडी है और ये लोन की डिटेल्स है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। 50,000 लोन अमाउंट है, नेट लोन अमाउंट जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा 48425 रुपीस क्रेडिट होंगे। ईएमआई 4578 रुपीस की ईएमआई पर मंथ हमें पे करनी होगी। ईएमआई की जो डेट है वो 2 तारीख होगी एवरी मंथ की, और हमारे इस अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा इसी अकाउंट से ऑटोमेटिक ईएमआई डिडक्ट की जाएगी। बाकी की जो डिटेल्स है वो ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है आपकी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आप ये लोन की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में ये लोन अमाउंट कितने टाइम में क्रेडिट की जाएगी। अभी टाइम हुआ है 5:04। तो बैंक की तरफ से हमें अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है लोन अमाउंट क्रेडिट का। ऑलरेडी 4 मिनट हो चुकी है, 5:04 पे हमने लोन का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दिया था। अभी चलिए एक बार हम बैंक की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करके देखते हैं मोबाइल बैंकिंग को, और स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि लोन अमाउंट आया है या नहीं। यह है कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। ये हमारा अकाउंट नंबर है लास्ट में 8989 जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यू बैलेंस पर ओके करेंगे, एम पिन डालेंगे। टोटल अमाउंट हो चुका है 71,810 रुपीज हो चुके हैं, स्टेटमेंट चेक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 48,425 रुपीज जो कि हमें वहाँ पर बताए गए थे वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। मतलब ये इंस्टेंटली ही ट्रांसफर हुए हैं, हमने 4 मिनट तक वेट किया है। 4 मिनट वेट करने के बाद हमने चेक किया है क्योंकि मैसेज नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब ये है, यहाँ पर टाइम तो शो नहीं कर रहा है लेकिन इसका मतलब ये है कि ये इंस्टेंटली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। यहाँ पर आप ये डिटेल्स देख सकते हैं, ये हमारा लोन नंबर वगैरह और जो बाकी की डिटेल्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्री अप्रूव्ड ऑफर होते हैं ये काम करते हैं, आपको भी प्री अप्रूव्ड ऑफर आता है तो आप भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें 3 लाख रुपए का ऑफर मिला था, हम चाहते तो 3 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते थे। बाकी मुझे इसके बारे में पहले से पता था कि ये जो प्री अप्रूव्ड ऑफर होते हैं ये काम करते हैं, क्योंकि मुझे अभी पिछले महीने एक बैंक की तरफ से मैसेज आया था प्री अप्रूव्ड ऑफर, उसमें मुझे 5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा था जिसमें मैंने 1 लाख रुपए सिर्फ देखने के लिए लिया था कि मिलता है या नहीं मिलता है ये कंफर्म करने के लिए। तो वो भी मेरा सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ही लोन पास हो गया था बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के, सिर्फ अकाउंट बेस पर। तो इस तरीके से अगर आपको भी कोई ऑफर आता है तो आप भी लोन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपके लिए अगर यूजफुल रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।